हेलो हीरोज, उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं विशाल ड्रोलिया स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल इंजीनियर्स लाइफ ड्रोलिया पे। तो हम सभी को जिस चीज़ का इंतजार था कि मणिपाल की काउंसलिंग को लेके अपडेट क्या आएगी, क्या कैसे चीज़ें होंगे, तो मणिपाल ने एक लंबा चौड़ा चिट्ठा निकाल दिया है काउंसलिंग की अपडेट को लेकर और बताया कि काउंसलिंग क्या कैसे होने वाली है। तो इस वीडियो को कंप्लीट देखना, कंप्लीट देखने पर पता चलेगा कि रिफंड पॉलिसी क्या है या जो भी है कि किन किन कैंपस का प्लेसमेंट किन किन कैंपस की काउंसलिंग एक साथ होने वाली है और उसके बाद एलिजिबल क्राइटेरिया तो हम समझ गए। काउंसलिंग प्रोसेस क्या होने वाली है, उसके बाद फर्स्ट राउंड से सिक्स राउंड तक का जो इसमें खेला दिया गया है, मैं अपनी भाषा में बोलूँ तो वो क्या चीज़ है, उसके बाद इंट्रा इंस्टीट्यूट स्लाइडिंग क्या है, स्पॉट राउंड क्या है, उसके बाद विड्रॉल की फैसिलिटी क्या है, रिफंड पॉलिसी क्या है, हॉस्टल इन्फॉर्मेशन, ये सभी चीज़ों के बारे में हम जानेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को कंप्लीट देखना तो बातें समझ में आएंगी। पहले एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि मेरी लाइव क्लासेस जो कि एकदम फ्री होने वाली है अनअकैडमी पे, आज से स्टार्ट होने वाली है। मीन्स 20 अगस्त से अनअकैडमी पे मेरी लाइव फ्री क्लासेस स्टार्ट होने वाली है, जहाँ पे मैं आपको फिजिक्स पढ़ाऊंगा, फिजिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा, एनसीईआरटी लेवल से लेके जेईई लेवल की हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो नीट पे अगर आप फोकस कर रहे हो या जेईई मेन्स पे फोकस है तो आप मेरी क्लास को अटेंड कर सकते हो और जो भी कुछ डाउट है आप उसे वहाँ भी पूछ सकते हो, वहाँ कोर्स के बारे में फोकस होकर बात करेंगे। तो चलो, उसकी जो लिंक होगी मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, साथ साथ मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, कोई भी डाउट आता है आप वहाँ से भी पूछ सकते हो। तो चलो, जो कॉन्टेंट बना के दिया मणिपाल ने, सबसे पहली बात तो ये जान लो कि काउंसलिंग के लिए आपको रजिस्टर जहाँ से करनी है वो आपको करनी है HTTP जो भी हम डालते हैं counselling.manipal.edu पे, ये आपके लिंक प्रोवाइड की है, इस पर आपको काउंसलिंग के लिए रजिस्टर करना है। तो जो काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन आपकी शुरू हो रही है वो आपकी शुरू हो रही है फर्स्ट राउंड की, जो डेट दी है आपका 20 से 24 अगस्त की, फर्स्ट राउंड के लिए आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। उसके बाद आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया तो जो फर्स्ट राउंड का जो सीट अलॉटमेंट होगा 26 अगस्त को होगा, जो कि 5 PM तक दिखाया है, जो कि शाम के 5 बजे तक जो है काउंसलिंग की प्रोसेस चलेगी और जो फर्स्ट राउंड वाले को क्या कैसे सीट मिलती है उसके बारे में पता चल जाएगा। उसके बाद जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आपको फी की पे करनी है वह 26 से 31 अगस्त के बीच में करनी है। देन जो सेकेंड इंस्टॉलमेंट पे करनी है वह 29 सेप्टेम्बर तक करनी है, ठीक है। उसके बाद सेकंड राउंड आपका कंडक्ट होगा, जिसके लिए अगर फर्स्ट राउंड में आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो सेकंड राउंड में फिर से रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। अगर सेकंड राउंड में फिर से रजिस्ट्रेशन करना है तो वो वही बच्चे करेंगे जिन्होंने फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन नहीं किया था। तो फ्रेश रजिस्ट्रेशन की डेट वही 2 से 4 सेप्टेम्बर दी गई है और उसके बाद वही दिया गया है कि आप चॉइस को मॉडिफाई करने का डेट दिया गया है। इस बात को समझ लो कि मॉडिफाई फिलिंग चॉइसेस बाय ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट, जो डेट है 2 से 4 सेप्टेम्बर है। इसका मतलब ये है कि जो कैंडिडेट ने, जिन बच्चों ने फर्स्ट राउंड में रजिस्टर किया था खुद को लेकिन उसे कोई सीट नहीं मिली, ठीक है, तो उस हिसाब से अब क्या होगा कि जो जिस बच्चों ने सीट ले ली है उसके बाद क्या होगा कि किस किस ब्रांच में कम कम सीट बच जाएंगे, तो उस हिसाब को, उस चीज़ को देखते हुए आपको अपने रैंक को सेकेंड राउंड में क्या लगता है कि मुझे ये ब्रांच मिलने की संभावना ज़्यादा है कि पॉसिबिलिटी ज़्यादा है कि ये चीज़ मुझे मिल सकती है, तो आप जो अपनी च्वाइस है उसको मॉडिफाई कर सकते हो। तो एक चीज़ बताई गई है मणिपाल की तरफ से, जो च्वाइस मॉडिफिकेशन है वो अनलिमिटेड है, आप जितनी बार चाहो उतनी बार कर सकते हो और जितनी च्वाइसेस आप देनी चाहो उतनी च्वाइसेस दे सकते हो, आप अपने कोर्स को लेके और कैंपस को लेके, तो इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है। ये एक अच्छी बात है कि आप बाद में भी अपडेट करते रहना अपने च्वाइस को कि किस हिसाब से काउंसलिंग में सीटें भरती जा रही हैं और किस हिसाब से सीटें अवेलेबल हैं, ठीक है। तो इसी तरह से ये PDF की लिंक मैं अटैच कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कब क्या चीज़ें हैं ये तो आप जान लोगे। तो जो मेन चीज़ है कि जो पूरी काउंसलिंग होनी है ये 6 राउंड में होनी है, उसके बाद लास्ट में एक दी है कि इंट्रा इंस्टीट्यूट ऑनलाइन उसकी भी होगी, वो क्या चीज़ें मैं बताता हूँ आपको, और एकदम लास्ट में स्पॉट राउंड की काउंसलिंग होती है। तो एक चीज़ जान लो कि जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है कि वो है कि रिफंड पॉलिसी वगैरह क्या है, इनके बारे में हमें जानना बहुत ज़रूरी है। तो एक चीज़ ये जान लो कि जो इंट्रा आपकी लास्ट में दी है कि इंट्रा इंस्टीट्यूट ऑनलाइन है, तो इसमें आपको साफ साफ बताया गया है मणिपाल की तरफ से कि इंट्रा इंस्टीट्यूट में आप हैं कि जो अगर आपने एक कैंपस को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, आपने एक कैंपस को सिलेक्ट कर लिया तो उस कैंपस में आप ब्रांच का ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हो। जैसे आपने CSE में ले लिया, CSE से इनकेस मैकेनिकल में जाना चाहते हो तो आप
अगर आपने मणिपाल जयपुर में लिया है तो आप जयपुर में ही अपना ब्रांच चेंज कर सकते हो। आप ये नहीं कर सकते हो कि जयपुर से मुझे मणिपाल पढ़ने जाना है, ऐसा आप नहीं कर सकते हो। तो इन कैंपस ये आपका जो ब्रांच चेंज है वो आप कर सकते हो। साथ ही साथ इसमें ये भी बताया गया है कि इसमें भी आपको जो प्रेफरेंस मिलेगी उन्हीं बच्चों को मिलेगी कि जिनका रैंक आपको ज़्यादा सही होगा, और इसके लिए रजिस्ट्रेशन अलग से करनी होगी जिसका लिंक आपको दिया हुआ है। तो ये सभी चीज़ें तो बात की होनी है। जो स्पॉट राउंड आपकी होनी है, स्पॉट राउंड तो तब होगी जब शुरू के 6 राउंड में सीट नहीं भरेगी, और उसके बाद भी जो इंट्रा आपकी स्प्लिटिंग है उसमें भी अगर सीट खाली रह जाती है तो उसके बाद आपकी स्पॉट राउंड होगी। स्पॉट राउंड के लिए भी आपको 10,000 रुपये का जो है फी पे करना होगा। तो उसके इस स्पॉट राउंड में देखो कौन कौन एलिजिबल हो सकते हैं। एक तो जो बच्चा हमारा पहले रजिस्टर्ड कर चुका था उसको काउंसलिंग नहीं मिली, मतलब सीट नहीं मिली, वो कर सकता है। या जिसने अभी तक रजिस्ट्रेशन किया ही नहीं था, वो चाहता है कि अब मैं डायरेक्ट स्पॉट राउंड में काउंसलिंग के लिए जाऊँ, तो वो भी कर सकता है। तो काउंसलिंग की एक और बात समझ लो कि काउंसलिंग में आपको 10,000 रुपीज पे करना है वेटिंग लिस्ट के लिए। तो वेटिंग लिस्ट का क्या मतलब है कि हमने रजिस्टर कर दिया, हमने अब वेट करना है कि हमें किस राउंड में सीट मिलती है, तो उसके लिए 10,000 रुपये पे करने, ठीक है। वी हैव पेड 10,000 रुपीज। अब 10,000 रुपये पे करने के बाद अगर हम किसी भी राउंड में सीट ले लेते हैं मणिपाल में, तो वो 10,000 रुपये हमारे फी में एडजस्ट हो जाएंगे। बात समझ गए? अगर मैंने 10,000 रुपये पे कर दिए तो वो 10,000 रुपीज़ हमारे फी में एडजस्ट हो जाएंगे। मतलब अगर हमारा 175,000 फी है तो उसमें वो 10,000 रुपये कंसीडर आपका किया जाएगा 10,000 रुपीज़, ठीक है। इफ़ इन केस आपने कोई सीट नहीं ली और लास्ट राउंड तक आपको अपने पसंद की सीट नहीं मिली, तो वन मंथ के बाद आपको अपना बैंक डिटेल ये सब कुछ देना होगा, आपको रिफंड मिल जाएगी। अब रिफंड पॉलिसी के बारे में बताई गई है, तो इसके बारे में ये नहीं बताया गया कि इस 10,000 का पूरा अमाउंट मिलेगा या कुछ काट के मिलेगा। तो मान के ऐसा चल रहे हैं कि इस 10,000 का पूरा अमाउंट आपको वापस मिल जाएगा। लेकिन इनकेस एक और बात समझिए आप कि अगर आपने जैसे फर्स्ट राउंड में सीट ले ली कि हाँ मैंने रजिस्टर कर लिया, मेरे को ये ब्रांच चाहिए, तो उसके लिए आपको डेट दिया भाई कि इस डेट को आपको रजिस्टर करना है, ठीक है। उस डेट को आपने रजिस्टर कर लिया तो उसके बाद फर्स्ट फी का जो डेट आपका दिया हुआ, जो फर्स्ट फी आपको पे करनी है 1,62,000 के करीब पे करनी है, तो आपने फर्स्ट राउंड में मतलब फर्स्ट इंस्टॉलेशन फी भी पे कर दी, ठीक है। अब आपको सेकंड इंस्टॉलेशन की भी फी पे करने की, अगर आपने सेकंड इंस्टॉलेशन फी की 1,60,000 के जो करीब है अगर वो टाइम पे नहीं की, तो आपका जो सीट है वो कैंसिल मान दिया जाएगा। तो मतलब आपको काउंसलिंग प्रोसेस से बाहर कर दिया जाएगा, और जो 1,62,000 मीन्स 1,62,000 फी आपने जो फर्स्ट राउंड में या फर्स्ट इंस्टॉलमेशन फी पे की थी उसका रिफंड आपको मिल जाएगा। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि फर्स्ट इंस्टॉलमेशन फी पे करने के बाद आप निश्चिंत नहीं बैठ सकते हो, सेकंड इंस्टॉलमेशन वाली इंस्टॉलमेशन में जो बाद में उलझ जा रही है उस पर ध्यान नहीं देना, इसके लिए मैं सॉरी पहले ही कहता हूँ। तो जो सेकंड इंस्टॉलेशन वाली फ़ी है वो टाइम पे करना, तो आपकी जो सीट होगी वो सिक्योर रहेगी। तो इतनी बात मैं उम्मीद करता हूँ समझ में आ गई होगी। जो रिफंड पॉलिसी है, तो रिफंड पॉलिसी है कि आप अगर 29 सितंबर से पहले सीट आपने कैंसिल करते हो तो आपको जो रिफंड मिलेगा वो 5,000 डिडक्ट करने के बाद पूरा रिफंड मिल जाएगा। बिटवीन सितंबर 30 टू अक्टूबर 14 करते हो तो 10% डिडक्ट हो जाएगी, जो कि आपकी लगभग 32,000 के करीब होगी। अगर आप करते हो अक्टूबर 15 टू अक्टूबर 29 तो 20% डिडक्ट होगी, जो कि अप्रोक्स 65,000 है। अगर आप अक्टूबर 30 से नवंबर 19 के बीच करते हो तो 50% डिडक्ट होगी, और 14 नवंबर के बाद करते हो तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। तो ये रिफंड पॉलिसी बता दी है। और एक चीज़ ये जान लो कि जो यहाँ पे बताया है मणिपाल ने इंट्रा इंस्टीट्यूट ऑनलाइन वाली जो चीज़ बताई है, इसके लिए बताया है कि आपको ये उन्हीं बच्चों के लिए पॉसिबल होगा कि जो टाइम पे क्लास अटेंड करनी शुरू कर देंगे। ये नहीं कि जो आगे काउंसलिंग के लिए वेट कर रहे हैं, जो टाइम पे क्लास अटेंड करनी जिन्होंने शुरू कर दी, तो ये ऑप्शन जो है ब्रांच चेंज करने का ये सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए अवेलेबल होगा, बाकी लोगों के लिए अवेलेबल नहीं होगा। बाकी एक जो डॉक्यूमेंट आपको लेके जाना है कि आपको हॉस्टल फी, तो इसके साथ आपकी पे हो गए। तो आप जब वहाँ पे जाओगे फिजिकली, जब इंस्टीट्यूट में जाओगे, जब भी ये कोविड 19 का सिचुएशन हमारा सही होगा, आप जब फिर जाओगे मणिपाल,
या जो भी कैंपस आपने लिया वहाँ जाते हो, तो आपको ये सभी डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं। 10th स्टैंडर्ड मार्कशीट कार्ड आपको लेके जाना है, उसके बाद आपको 12th स्टैंडर्ड मार्कशीट कार्ड लेके जाना है, उसके बाद आपको आधार कार्ड लेके जाना है, पैन कार्ड लेके जाना है, 2 रिसेंट पासपोर्ट साइज फ़ोटो लेके जानी है, और कॉपी ऑफ ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया मतलब या पर्सन ऑफ इंडिया ओरिजिन कार्ड मतलब इसमें दिया इफ अप्लाइड, अगर ये है तो, नहीं तो आधार कार्ड से आपका काम चल जाएगा। तो ये सभी डॉक्यूमेंट रख लेना जब आप फिजिकली जाओगे हॉस्टल के लिए, ऐसे आपको एक रिमाइंड दे दिया जाएगा मणिपाल की तरफ से। बाकी मणिपाल ने ये साफ साफ बताया है कि अगर फर्स्ट इंस्टॉलमेशन की फ़ी, अगर पहले फ़ी आप पे कर देते हो और सेकंड फ़ी टाइम पे नहीं कर पाते हो, तो उसके लिए कहीं से कोई रिमाइंडर नहीं आएगा मणिपाल की तरफ से। और इन डेट केस क्या होगा कि आपका सीट कैंसिलेशन होना ही होना है, उस चक्कर में आपको तो आपकी एक सीट भी चली जाएगी, साथ साथ आपका नुकसान भी लग जाएगा। तो इन सभी चीज़ों का ध्यान रखना है। और जो मणिपाल के सबसे इंपॉर्टेंट मैं बता दूं, काउंसलिंग के लिए 10,000 रुपीज़ पे करनी है, वो आपके रिफंडेबल है इन केस आपको लास्ट राउंड तक कोई सीट नहीं मिलता है। तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी मैं उम्मीद करता हूँ। बाकी यही सभी चीज़ें आपको बताई गई हैं, और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात मैंने बता दी कि आप सेम कैंपस में स्लाइडिंग कर सकते हो ब्रांचेस की, ये नहीं कि हम जयपुर में पढ़ रहे हैं तो मणिपाल में चले जाओ। और साथ साथ यहाँ पे एक लिस्ट दिए कि जैसे सिविल इंजीनियरिंग हमारे मणिपाल, सिक्किम, जयपुर और मणिपाल तीनों में अवेलेबल होगी। उसके बाद केमिकल इंजीनियरिंग दिया आपकी सिर्फ मणिपाल में है, केमिकल के बाद आपकी कंप्यूटर एंड कम्युनिकेशन जो हम CC बोलते हैं ये हमारे मणिपाल और जयपुर में, बाकी कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग है वो हमारे तीनों में है। तो ऐसे ही सभी ब्रांचेज के बारे में दिया गया है जिनकी काउंसलिंग एक साथ होने वाली है। तो रिफंड के बारे में भी आपको पता चल गया। तो एक चीज़ें आती हैं कि मणिपाल ने 6 राउंड इस बार इसलिए रखे और JEE के बाद तक का समय इसलिए दिया है कि उनको लगता है कि JEE में अगर पेपर आसान आ गया या पेपर ढंग के लेवल का आ गया तो चांस है कि बच्चे मणिपाल छोड़ के JEE की तरफ जाएंगे। तो बच्चे JEE की तरफ जाएंगे तो इसलिए चांस है कि सीट हमारे खाली होगी, तो जिसके लिए उन्होंने पहले से 6 राउंड दे दिया, उसके बाद भी 1 राउंड और स्पॉट राउंड भी दे दिया है ताकि जो सीट है या जो अपॉर्चुनिटी है जिन बच्चों को नहीं मिल पाई है तो उनके लिए भी एक चांस मिले कि वो मणिपाल में एडमिशन ले सके। तो जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने शेयर की आपके साथ, मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी, कुछ जानने मिला होगा इन्फॉर्मेटिव इस वीडियो से। पसंद आई तो दोस्तों के साथ शेयर करना, कुछ भी डाउट होता है तो इंस्टाग्राम पर फॉलो करो, इंस्टाग्राम पर अपनी क्वेरीज पूछो, जो भी डाउट आती है वहाँ पर पूछो, तो आपके सभी क्वेश्चन का मैं रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। तो चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जब तब तक आप एक बार मणिपाल की साइट खोल के देख लेना कि कब कैसे क्या डेट्स दी हुई है, उस अकॉर्डिंग अपना काम कर लेना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ इम्पोर्टेंट डेट्स की जिसमें क्या क्या होना है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना।